हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 4 अन्याय का विरोध इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ जी, जूलिया कौन थी? जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नर्स थी। हाँ जी, जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नर्स थी। लेखक ने जूलिया को अपने कमरे में क्यों बुलाया था? लेखक ने जूलिया को अपने कमरे में इसलिए बुलाया था क्योंकि वह उसकी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता था हो जाता ना अनर्थ किसने किससे और क्यों कहा? हाँ जी, लेखक ने जूलिया से हो जाता ना अनर्थ इसलिए कहा क्योंकि जूलिया को लेखक की पत्नी ने 3 रूबल दिए थे और लेखक को इस बात का पता नहीं था इस कारण वह जूलिया को उनकी तनख्वाह से 3 रूबल ज़्यादा दे देते आगे है, जूलिया के धन्यवाद देने पर लेखक को क्रोध क्यों आया? क्योंकि जूलिया जानती थी कि उन्होंने उसके साथ अन्याय किया है फिर भी वह उन्हें धन्यवाद दे रही थी। वह अन्याय का विरोध सह रही थी, इसलिए लेखक को क्रोध आ गया। आगे लेखक ने जूलिया के पैसे काटने के लिए क्या क्या बहाने बनाए? तो लेखक ने जूलिया के पैसे काटने के लिए अनेक बहाने बनाए। इतवार की छुट्टी, अन्य छुट्टियां, 12 दिन के 4 दिन केवल बाने को पढ़ाने के, 3 दिन सिर्फ आधे दिन काम करने के, प्लेट और प्याली टूटने के, कोले की जैकेट फटने के, वाने के जूते चोरी होने के, इस प्रकार लेखक ने जूलिया के पैसे काटने के अनेक बहाने बनाए। हाँ जी, आगे है, लेखक ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए यही तरीका क्यों चुना? लेखक ने जूलिया को सबक सिखाने के लिए यह तरीका इसलिए चुना क्योंकि अन्याय करना, अन्याय सहना दोनों ही बहुत बुरी चीज़ है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तुम्हें इस समाज से लड़ना होगा। हाँ जी, न्याय करना और न्याय सहना दोनों ही चीज़ बुरी है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तुम्हें इस समाज से लड़ना होगा। आज के युग में जूलिया जैसे लोगों का शोषण होता है, कहानी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ऐसे लोग अन्याय का विरोध नहीं करते और अपने प्रति होने वाले बुरे व्यवहार को सहते हैं। हाँ जी, आज के युग में जूलिया जैसे लोगों का शोषण होता है क्योंकि ऐसे लोग अन्याय का विरोध नहीं करते और अपने प्रति होने वाले बुरे व्यवहार को सहते हैं। हाँ जी बच्चों, इस लेसन को आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और नोटबुक्स में राइट भी करना है। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।